वेलकम फ्रेंड्स टू द लेक्चर सीरीज ऑफ टारगेट लबासना। हम लोग योजना मैगजीन डिस्कस करने वाले हैं और अक्टूबर मंथ का ये मैगजीन है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे अक्टूबर 2018 एंड मेन इश्यूज जो है यहाँ पे वो है विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे विमेन एम्पावरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जैसे हम लोग इलेक्शंस में देखते हैं हर एक जगह पे आपको बहुत ज़्यादा ये सुनाई देगा। तो सर्टन स्पेशल आर्टिकल्स है इसमें जो हम लोगों को एक तो GS1 में जो सोसाइटी रिलेटेड क्वेश्चंस है वहाँ पे हेल्प करेगा, SA में हेल्प करेगा, GS4 में हेल्प करेगा और भी बहुत सारे प्लेस पे जहाँ पे भी अगर आपका ऑप्शनल भी है वहाँ पे भी हम लोग ये ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स दिए हुए हैं इसके अंदर और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सर्टन आर्टिकल्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग देखेंगे। तो सर्टन प्लेसेस पे आपको एक पैराग्राफ मिलेगा स्टार्टिंग का जो हम लोग मेनली विमेन स्पेसिफिक जो आर्टिकल्स लिखते हैं ना वहाँ पे आप एज ए इंट्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो विमेन लेड डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है अगर कहीं पे भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन में आता है विमेन लेड डेवलपमेंट तो वहाँ पे ये जो पार्ट है ये हम लोग इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स एज इट इज़ हम लोग इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं और यही आर्टिकल के लास्ट में ये जो दिया है ना ये आपका कंक्लूजन होगा और उसके बीच में आप अपने वर्ड्स ऐड करेंगे। तो मेनली मैं अगर आपको ये मैगजीन में से पढ़ा रहा हूँ ना उसका मेन रीज़न यही है कि हम लोग डायरेक्टली नोट्स नहीं पढ़ेंगे, हम लोग आर्टिकल इंटरप्रेट करने की ट्राई करेंगे सो दैट हम लोगों को समझना है और इसमें से ही जब भी अगर हम लोगों को डायरेक्टली अपने इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन मेंस आंसर राइटिंग के लिए मिलता है तो हम लोगों को वापस और कहीं से अपने कोई नोट्स अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या बोला, एक तो आपको विमेन जो है दे हैव पावर टू क्रिएट नर्चर एंड ट्रांसफॉर्म, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो आप एज इट इज़ ये जो कीवर्ड्स है ना ये कीवर्ड्स है, आप इंट्रोडक्शन कोई भी एक विमेन के बारे में लिखेंगे और वहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि विद इन हर दे हैव पावर टू क्रिएट नर्चर एंड ट्रांसफॉर्म। उसके आगे एक और एक वर्ड जो आ सकता है नारी शक्ति कंसेप्ट है जो इंडियन कल्चर में बहुत टाइम से हम लोगों को सुनाई देता है। उसके आगे मदर गॉडेसेस जो हम लोग देखते हैं बहुत सारे जिनकी हम लोग पूजा करते हैं एंशियंट टाइम से, वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे दुर्गा काली है। तो अभी ईस्ट इंडिया में आप देखिए ओवरऑल इंडिया की बात करें जैसे दुर्गा एंड काली ईस्ट इंडिया में पूजा जाता है, महिषासुर वर्धिनी एंड भगवती केरला में बोला जाता है, ऐसे बहुत सारे और प्लेसेस है स्टेट वाइज जहाँ पे अलग अलग विमेन गॉडेसेस है या मदर गॉडेसेस है और हर एक स्टेट में ये रिप्रेजेंट करता है कि वो लोग विमेन को कौन से वे में इंटरप्रेट करते हैं, उनकी शक्ति को कौन से वे में इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो बेसिकली विमेन्स को हमेशा पोर्ट्रेट किया जाता है एज अ शक्ति टू अकम्प्लिश कौन से टास्क जो मैन नहीं कर सकते। उसके आगे लेकिन इसका दूसरा साइड भी है वो यहाँ पे दिया है, उसमें अगर आप देखेंगे कि आज के टाइम पे उनके पास वॉइस नहीं है एक तो कि वो अपने लाइफ के खुद डिसीजन ले सके, ये एक बहुत ड्रॉबैक है जो हम लोग देखते हैं। सो बहुत बार दिखता है कि मैन जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, उनके एस्पिरेशंस जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, बहुत बार उनको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं माना जा रहा है क्योंकि उनके एस्पिरेशंस जो है ना वो सबमर्ज हो जाते हैं विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सा मदर वाइफ और डॉटर। देन नेक्स्ट जो है अब यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना ये आपको याद रखना है, दूसरे में हम लोग देखेंगे अभी के टाइम पे विमेंस के पास जो वॉइस नहीं है या वॉइस कम है वो वॉइस हम लोगों को बढ़ाना है, उसी का मतलब होगा विमेन एम्पावरमेंट। सो एक ये हो गया और उसके आगे जो उनके जो एस्पिरेशंस है या उनके कुछ करियर गोल्स जो है ना वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, क्यों, बिकॉज उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो डाइवर्ट हो जाते हैं। तो या तो वो एज अ मदर है तो अपने बच्चों को पालने के चक्कर में कहीं ना कहीं उनके जॉब करियर जो है वो पीछे छूट जाता है, शादी के बाद होता है ऐसा, या फिर बहुत बार पेरेंट्स रेडी नहीं होते उसकी वजह से होता है। तो वही हो गया। उसके आगे विमेंस लाइफ जो है वो बहुत बार ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो हम लोगों को पता है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में ऐसा होता था, अभी भी बहुत जगह पे है कि एक चार वॉल के अंदर घर के अंदर ही विमेन का बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बीतता था या उनको ज़्यादा बाहर नहीं जाने दिया जाता था, बट आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे कि हम लोग रियलाइज़ कर रहे हैं
और यही है कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ये आपको हाईलाइट करना है। आप अपने जो नोट्स बनाएंगे योजना के उसके अंदर ये सेम पॉइंट्स डालने हैं। पहले ऐसा होता था कि विमेंस को चार दीवारी में रखा जाता था, आज के टाइम पे वी आर डिमांडिंग और विमेंस आर ऑल्सो डिमांडिंग फॉर देमसेल्स जेंडर इक्वालिटी एंड जस्टिस, कहाँ पे, वर्क प्लेस पे और घर पे भी। मतलब पेरेंट्स के प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का जितना हक बेटे का है उतना बेटी का भी है, फैमिली डिसीजन लेने का जितना हक बेटे का है उतना बेटी का भी है, बाकी जितने फैमिली मेंबर्स का है वो सेम। और वर्क प्लेस में अगर विमेन कोई एक लेवल का काम कर रहे हैं तो जितना प्रमोशन दूसरे किसी को मिलेगा, जितना सैलरी उसको मिल रहा है, वो सेम सैलरी यहाँ पे भी मिलना चाहिए। तो ग्लास बैरियर जो था वो अभी ऑलमोस्ट नहीं है। और उसके साथ हम लोग देखते हैं कि टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, स्पोर्ट्स एंड आर्म फोर्सेस में भी आज के टाइम पे विमेंस बहुत ज़्यादा आगे है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ऊपर के पॉइंट्स आप लिखे ना लिखे, एक तो जेंडर इक्वालिटी एंड जस्टिस लिखना है, उसके आगे ये वाला पॉइंट लिखना है, ये वाला, जिसके अंदर बोला गया है ऑलमोस्ट एवरी फिफ्थ विमेन इन इज एन एंटरप्रेन्योर बोथ इन अर्बन एंड रूरल एरिया। बहुत बहुत अच्छा फैक्ट है जो हम लोग यूज कर सकते हैं एसेज में या आंसर राइटिंग में। सो हर एक पांच में से एक महिला जो है जो अपना खुद का कोई ना कोई एक बिजनेस कर रहे हैं या एक छोटा सा कुछ तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो हम लोग बोलते हैं ऐसा कुछ है या बड़ा भी हो सकता है, तो एटलीस्ट पांच में से हर एक सिंगल वुमन जो है ऐसे कोई ना कोई अपने घर पे ऐसे छोटे मोटे कुछ काम करते हैं। जैसे आपने देखा रहेगा कि वो ट्रेडिशनल कुछ क्लोथ से ऐसा कुछ बनाना होता है, पापड़ बनाना है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब ये जो है ना ये इतना काम का नहीं है बिकॉज हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको खाली याद रखना है गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स निकाले हैं यहाँ पे, जिसमें से अगर आप देखेंगे स्कीम्स जो है विमेन एम्पावरमेंट के लिए, मातृवंदना योजना, ऐसे बहुत सारे है, सारे स्कीम्स याद नहीं रखने, आगे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसमें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो ये आप ये वाला जो पैराग्राफ है इसको इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल के लिए, सेम वे इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे वापस। हाँ, अब ये याद रखना है वुमेन हेल्पलाइन, ये सब जगह सेम ही रहेगा। तो सेक्शुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये जो एक्ट आया है सिक्योरिटी देने के लिए, ऑनलाइन कंप्लेन सिस्टम्स है, वन स्टॉप सेंटर्स एंड पैनिक बटन to protect women in their journey towards empowerment, triple talaq, तो ये एक points है जो women security कहीं पे भी अगर आता है तो आप ये same points लिख सकते हैं, और ये तो बहुत important है जो आप directly as a conclusion लिख सकते हैं। याद रखिए जब भी हम लोग answer writing practice चालू करते हैं ना तो सबसे main बात यही होता है कि हम लोग हर एक topic specific एक उसका definition निकाल के रखें और एक में हम लोग उनका जो कंक्लूजन है वो निकाल के रखे। तो यहाँ पे वही है, रोड टू डेवलपमेंट कैन नॉट ट्रैवल विदाउट द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो अगर हम लोगों को एक डेवलपमेंट करना है, कंट्री को आगे बढ़ाना है जैसे हम लोगों ने सोचा है, तो उसके लिए वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ जो लड़के हैं वो ही काम करके कंट्री को आगे बढ़ा देंगे ऐसा नहीं है। और महाराष्ट्र में तो अगर आपने बहुत बार मूवीज में भी सुना रहेगा, एक मराठी में कहावत किया बोला जाता है मुलगी शिकली प्रगति जाली, मतलब अगर बोलते हैं कि अगर एक लड़का सीखता है तो वो जाके जॉब करता है, लेकिन अगर एक लड़की अगर सीखती है तो उसके साथ पूरा फैमिली एजुकेट होता है। दिस इज सम पॉइंट्स। सो एक आपके कंक्लूजन है और ये आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, इतना एक जिसमें से आप ये जो वर्ड्स बोले ये हाईलाइट करने हैं, एज इट इज आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन ट्राई कर कीजिए कि आप रट्टा मार के रखें सो दैट कहीं पे भी छोटा सा भी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, और ये आपका कंक्लूजन होगा। और उसके बीच में आपको जो भी लिखना है आप इजीली लिख सकते हैं। याद रखिए आपका स्टार्टिंग एंडिंग जितना अच्छा होगा क्वेश्चन का, और बीच में अगर आपके थोड़े कुछ स्कीम स्पेसिफिक आपने पॉइंट्स डाल दिए, करंट अफेयर्स के कुछ एग्जाम्पल्स डाल दिए, तो वो बहुत अच्छा आंसर बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है एम्पावरिंग द नेशन विथ विमेन लेड डेवलपमेंट। अब कुरुक्षेत्र एंड योजना में एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पे ना आपको सर्टन पॉइंट्स हाईलाइट करके दिए रहते हैं, तो अगर आपको पूरा कुछ नहीं भी पढ़ना है ना तो इतना तो प्रॉपरली याद रखना है।
तो ये आप बहुत जगह पे एज इट इज यूज कर सकते हैं। ये आप समझ लीजिए फोर्डो पॉइंट्स है। आप जब भी हम लोग मेन्स आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो बहुत बार हम लोग के पास इनफ पॉइंट्स नहीं होते हैं, तो जब भी इनफ पॉइंट्स नहीं है आप डायरेक्टली ये यूज कीजिए, विमेन नीड अ सेफ एंड एनेबलिंग एनवायरमेंट विच एनकरेज देयर एम्पावरमेंट। तो मतलब हम लोगों को एक सेफ, मतलब जहाँ पे विमेन बाहर निकल सके, उनके साथ कोई बुरा बर्ताव ना हो, इक्वालिटी हो, जेंडर इक्वालिटी, वही सेम पॉइंट्स आएंगे। दे शुड बी एबल टू लिव विदाउट फियर, और उसके आगे वो अपना खुद का करियर पोटेंशियल एक्सप्लोर कर सके, इतने अपॉर्चुनिटी होने चाहिए। अलॉन्ग विद नीड टू पुश अफर्मेटिव पॉलिसीज विच ब्रिंग्स वुमेन ऑन लेवल प्लेइंग फील्ड, एंड नेक्स्ट जो है वो राइट अपॉर्चुनिटीज उनके पास आने चाहिए। पोटेंशियल ऑफ इंडियन वुमेन जो है वही तभी हम लोग देख पाएंगे पूरा, हम लोग वो पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर पाएंगे। अब आर्टिकल में आता है, ज्यादा इतना कुछ नया नहीं है। फर्स्ट पैराग्राफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया है कि जो हम लोगों का टोटल पॉपुलेशन है उसमें से नियरली हाफ, मतलब एग्जैक्टली हाफ नहीं है, अगर आप देखेंगे कि वुमेन मेल फीमेल रेशियो जो है वो हम लोगों का हमेशा एक डिस्टर्बिंग फैक्टर रहा है, और उसी की वजह से वुमेन ट्राफिकिंग जो है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे वही है, हाफ, नियरली हाफ जो है वो हम लोगों के पॉपुलेशन में अगर आप देखेंगे विमेंस है। आपको ये वर्ड याद रखना है, अगर आप कहीं पे भी लिखते हैं ना, नियरली हाफ लिखना है, एग्जैक्टली हाफ नहीं लिखना है। और उसके आगे आपको बहुत जगह पे मिलेंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत जगह पे। फिर यहाँ पे सर्टन पॉइंट्स दिए हैं कि अभी हम लोग अगर देखेंगे ना, तो बहुत सारे लोकेशंस पे आपको मिलेगा कि विमेंस जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स की हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पे है ना, आप जैसे हम लोगों ने आमिर खान का अभी एक जो मूवी देखा था दंगल, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कॉमनवेल्थ गेम में जो लड़की थी उसी ने हम लोगों को गोल्ड दिलाया था, तो वो एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो वो सेम है, आई फील रिसेंट डेवलपमेंट वुमेन एक्सट्रीमली एनकरेजिंग द फर्स्ट। अब यहाँ पे एक फीमेल फाइटर प्ले पायलट है रिसेंटली, जो इंडियन एयरफोर्स में अपॉइंट हुआ है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एसईस के लिए भी। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया हम लोगों के लिए वापस। तो आप है ना अपने नोट्स में ऐसे अलग से पॉइंट्स निकाल के रखेंगे कि हाँ, फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा हुआ है कि फीमेल जो फाइटर पायलट है वो अभी फीमेल फर्स्ट टाइम अपॉइंट हुआ है। उसके आगे आर्मी में भी आता है, उसके आगे कॉमनवेल्थ गेम्स में हम लोगों ने देखा था, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग इवेंट्स, क्रिकेट, हर एक जगह पे आपको दिखता है। इवन इंडिया सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ मंगलयान, एंड उसमें अगर आप देखेंगे 104 नैनो सैटेलाइट्स जो लॉन्च हुए हैं ऑर्बिट में, उसमें सिंगल रॉकेट में, और वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे वापस क्या बोला है, वुमेन साइंटिस्ट बिहाइंड देम। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया, साइंस एंड टेक रिलेटेड कहीं पे अगर आपको वुमेन स्पेसिफिक एग्जाम्पल देना है तो हम लोग ये देंगे कि मंगलयान लॉन्च किया था, एंड वहाँ उसके साथ हम लोगों ने एक पॉइंट और एक देखा था जहाँ पे एक साथ हम लोगों ने 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, और वो रॉकेट जो लॉन्च हुआ था उसका जो टीम था, टीम ऑफ वुमेन साइंटिस्ट थे इसके पीछे। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया, तो वापस ये वाला पॉइंट याद रखना है। यहाँ से क्या याद रखना है, 104 नैनो सैटेलाइट मंगलयान, और ये जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक चीज हुआ था उसमें विमेन साइंटिस्ट का एक टीम इन्वॉल्व था। उसके आगे हम लोग के पास बहुत सारे स्लोगन्स तो आते हैं, अभी ये इतना बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि हर जगह पे हर कोई अपने आंसर में यूज करेगा, ये जो है ना ये कोई ज्यादा यूज नहीं करेगा, तो ऐसे यूनिक पॉइंट्स आपको डालने अपने आंसर में। ओके उसके आगे अगर आप देखेंगे, इन वर्क प्लेस टूडे एवरी फोर्थ वर्कर इन इंडिया इज वुमेन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स जो है हम लोग ज्यादा याद रखेंगे, जितना भी कॉम्प्लेक्स वर्क हो या टेक्निकल वर्क हो, आप कहीं ना कहीं नंबर ऑफ वुमेन जो है ना वो इंक्रीज होते हुए पाएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये आपको याद नहीं भी रहता है ना, तो एटलीस्ट ये फर्स्ट वाला पॉइंट याद रखना। तो ये जो आर्टिकल है इसमें से ये वाला तो ठीक है, बोल वचन है ये वाला पार्ट जो आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं अगर चाहे तो। अब यहाँ पे आपको ये जो आर्टिकल है इसमें से फर्स्ट पैराग्राफ काम का नहीं है। हाँ, सेकेंड पैराग्राफ में हम लोगों को ये याद रखना है कि फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट इंडियन एयरफोर्स में अपॉइंट हुआ है,
आर्मी में भी उनका कंट्रीब्यूशन है, तो ये तो नई बात नहीं है, कोई ऑलरेडी है, कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेशन है, ये सब ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट याद रखेंगे वो है मंगलयान, रिकॉर्ड ब्रेकिंग 104 नैनो सैटेलाइट लॉन्च हुए थे और वहाँ पे विमेन साइंटिस्ट का टीम जो था वो इन्वॉल्व था जो ये सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए। ओके उसके आगे अगर आप देखेंगे जेंडर पैरिटी जो है स्कूल में हम लोग ट्राई कर रहे हैं और सक्सेसफुली हम लोग ये कर पा रहे हैं, तो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेंडर पैरिटी। वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं आपके आंसर में, तो एक अचीविंग जेंडर पैरिटी। उसके आगे टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन सच एज आईटी इंजीनियरिंग, ये वापस बोल बच्चन है, वो छोड़िए, ये याद रखना है वापस अचीविंग जेंडर पैरिटी, ठीक है। तो ये इन स्कूल, और आप ये भी बता सकते हैं कि जेंडर पैरिटी हम लोग अचीव करने की ट्राई कर रहे हैं एवरीवेयर, लाइक वेदर वी टॉक अबाउट मेडिसिन फील्ड, लॉ फील्ड, इंजीनियरिंग, आईटी, मैनेजमेंट, जो भी आप बोले। और उसके साथ वापस यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, द लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन हैज राइजन, मियरली 9% था जब हम लोगों का देश आज़ाद हुआ वो टाइम पे, तो आप अगर देखेंगे 1951 टू 65 में, और सॉरी 1951 में 9% था एंड 65% हो गया 2011 तक, तो अभी 2011 में जो वापस हम लोगों के सेंसस डेटा काउंट होंगे वो टाइम पे हम लोगों को पता चलेगा कि 65 से और कितना बढ़ा है। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हो गया, एसईज के लिए बहुत काम का है। तो आप आर्टिकल में से देखिए हम लोगों ने क्या पॉइंट याद रखा, एक ये सेकेंड साइंटिस्ट वाला, थर्ड ये वाला, देन जेंडर पैरिटी एक वर्ड याद रखा हम लोगों ने, ये याद रखा। नेक्स्ट है वर्क प्लेस है, सेम जो नीचे हम लोगों ने पढ़ा वही है कि हर एक फोर्थ वर्कर जो है वो इंडियन है, तो बस हो गया, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है इसमें। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा आपको विमेन्स देखने मिलता है, और उसके आगे अगर आप देखेंगे इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव नाउ मेक 46% ऑफ आर पंचायत मेंबर्स। तो रूरल डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी पॉइंट एक हो गया कि आप अगर बोलते हैं कि हाँ आपको क्वेश्चन आ सकता है या बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हाँ हम लोग सिटीज़ में देखते हैं जहाँ पे मीटू कैंपेन चल रहा है तो वीमेंस के वॉइसेस हम लोग बाहर ला रहे हैं, लेकिन वो मीटू कैंपेन जो है ना वो रूरल एरियाज में कहीं पे आपको दिखेगा नहीं। आप अगर न्यूज़ में कहीं पे भी अगर देखेंगे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ऐसे बड़े बड़े जो डेवलप सिटीज़ है और जो वर्किंग वुमेन है उनका वॉइस आ रहा है बाहर विद द हेल्प ऑफ मी टू कैंपेन, बट द वॉइसेस ऑफ रूरल वुमेन्स आर नॉट कमिंग आउट विद द हेल्प ऑफ सच कैंपेन्स। तो थोड़े कुछ कैंपेन्स जो है वो सिर्फ रूरल वुमेन के लिए होते हैं, थोड़े कुछ कैंपेन्स सिर्फ अर्बन वुमेन्स के लिए होते हैं। तो हम लोग एक सेम कैंपेन दोनों जगह पर अप्लाई नहीं कर सकते, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव कितने हैं, 46% ऑफ आर पंचायती मेंबर। ये बहुत एक अच्छी बात है कि अर्बन एरियाज में अगर आप देखेंगे तो वुमेन का जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है, अप्रोक्स 22-25%, मैं भूल गया एग्जैक्टली नंबर, बट अगर आप पंचायत में देखेंगे ना 46% है, तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके आगे वापस ये थोड़ा सा भूल बचन है, ज़्यादा कुछ काम का नहीं, 1.3 मिलियन प्लस वुमेन इन पोजीशन ऑफ पावर एट विलेज लेवल, तो यहाँ ऊपर ये 46% से वो काम हो गया। देन फॉर इंस्टेंस वेयर 1957 में इलेक्शन ओनली 45 वुमेन हैड कंटेस्टेड जनरल इलेक्शन, बट इन 2014 668 वुमेन कंटेस्टेड। तो अगेन अगर आप याद रख सकते हैं तो ये और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया रूरल वुमेन स्पेसिफिक कि 1957 में सिर्फ 45 वुमेन्स थी और आज के टाइम पे वो सेम रेट बढ़ के कितना हो गया 668। ओके हेल्थ फ्रंट अब अगर आप देखेंगे तो वुमेन का जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, आप एक बात याद रखें कि वुमेन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमेशा मेल मेंबर से ज़्यादा होता है, आपने देखा रहेगा ना, और उसी के वजह से एक विडो प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो रहा है, एल्डरली वुमेन्स जो होते हैं जिनके हस्बैंड नहीं होते तो उनके बच्चे बहुत बार उनको रखते नहीं है, फिर उन वृद्धाश्रम का जो कंसेप्ट है वो बढ़ते जा रहा है, तो वो भी हम लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी हम लोग अगर एजेड वुमेन्स एजेड लोगों को सिक्योरिटी देने की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर हम लोगों के उभर के आता है ना, तो एक कंसेप्ट जो आता है वो हम लोगों का यही वाला है
जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी में डिफरेंस आता है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो लोगों का अगर कोई ज़्यादा इन्वॉल्व होता है तो हम लोगों के विमेन होते हैं जो ज़्यादा लाइफ जीते हैं मेल पार्टिसिपेंट से, और उसकी वजह से फिर उनको बड़ी एज पे ये प्रॉब्लम भी आता है। तो सेम है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को क्या बोला, एक्सपेक्टेंसी ऑफ विमेन हैविंग राइज इन 31.7 ईयर्स जो था उससे अभी 70 ईयर्स हो गया। मतलब विमेन जो, मतलब यहाँ से हम लोग ये बता सकते हैं, हेल्थ स्पेसिफिक अगर कोई टॉपिक आया तो आप यहाँ पे ये बता सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको अलग अलग पॉइंट्स निकाल के बता रहा हूँ कि अगर हेल्थ स्पेसिफिक, आप विमेन हेल्थ स्पेसिफिक आपको अगर कोई पॉइंट लिखना है तो आप ये वाला लिखेंगे कि हम लोग अगर देखेंगे कि हेल्थ फ्रंट पे कैसा इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो एवरेज लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब भी हम लोगों का देश आज़ाद हुआ 1951 के टाइम पे 31.7 ईयर्स था, जो अभी बढ़ के 70 ईयर्स हो गया है। ओके, और उसके आगे और एक बात है कि आज के टाइम पे बहुत सारे विमेन्स जो है वो हॉस्पिटल में बच्चों को जन्म दे रही है, होम इंस्टीट्यूशंस जो है वो कम हो गया है, वो दाईमा वाला जो कंसेप्ट था वो कम हो गया है। तो उसके आगे अगर आप देखेंगे कि 79% था ये, और उसके आगे ये और बढ़ते जा रहा है, तो ये वापस काम का नहीं है। विमेन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन, अगेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं पे अगर हम लोग आप देखिए, ये वर्ड्स जो है ना यही काम के है कि आपको कौन सा टाइप का आंसर है, क्या वर्ड्स ऐड करने हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है। कैसे इंक्रीज हुआ है, वापस यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में वो 15% था, तो विमेन विथ बैंक और सेविंग अकाउंट जो था, जो वो ऑपरेट करते थे, वो 15% था 2005-6 तक, जो अभी बढ़ के 53% हो गया है 15-16 तक। सो जस्ट 10 ईयर्स में हम लोगों ने इतना ग्रोथ देखा है। तो ये वापस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, विमेन का फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि रूरल एरियाज में पति बहुत बार, आपने देखा रहेगा कि वो दारू का आदत होता है, तो बहुत बार विमेन्स जो कमा के आती है वो डायरेक्टली दारू में चले जाता है। और उसके वजह से अगर विमेन के पास बैंक अकाउंट का फैसिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का फैसिलिटी नहीं है, तो उसका बिकॉज ऑफ दैट फैमिली का ग्रोथ भी अटक जाता है। अगर विमेन को अगर हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन में इंक्लूड करेंगे तो उसके पास जो भी पैसे हैं वो फैमिली बेटरमेंट के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए यूज़ होंगे। तो अगर मैं बोलता हूँ कि इंडिया को अगर आपको बेटर बनाना है, एम्पावर करना है, तो एजुकेशन एक बहुत बेटर और बेस्ट वेपन है। तो वो एजुकेशन कभी आएगा, जब फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा विमेन्स का। ओके, डिस्क्रिमिनेशन एंड करने की ज़रूरत है। सेम है डिस्पाइट पॉजिटिव फिगर्स, अनफॉर्चुनेटली बहुत बार अगर आप देखेंगे कि उनको बहुत थ्रेटनिंग अटैक्स होते हैं, एसिड अटैक्स होते हैं विमेन्स पे, वो सेम पॉइंट्स दिए। तो यहाँ पे वापस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, गवर्नमेंट हैज़ टेकन नंबर ऑफ मेजर्स टू एंश्योर फीमेल सिटीजन्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। ये आगे हम लोग वापस समझेंगे कौन से है। यहाँ पे वापस दिया है कि बहुत बार हॉरिफिक इंसिडेंट्स होते हैं, वायलेंस हर एक दिन होते हैं, यंग गर्ल्स ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल, ये एक वापस एक बुरी चीज़ है। ये सब आप वापस वापस आगे के आर्टिकल में समझेंगे, तो ये ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है उतना। उसके आगे गवर्नमेंट व्यू प्रॉब्लम ऑफ प्लगिंग विमेन ऑफ इंडिया एज अ प्रॉब्लम प्लगिंग टू एंटायर सोसाइटी, जेंडर इक्वालिटी आना चाहिए, वो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा फर्स्ट पार्ट में ही। नो प्रोग्रेस इन कंट्री कैन एंड्योर अनलेस विमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा जब तक। तो ये वापस कुछ इतना अच्छा पॉइंट नहीं है। गवर्नमेंट हैज टेकन नंबर ऑफ मेजर्स टू इंश्योर दैट फीमेल सिटीजन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी, वही वही सेम है। ओके, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट कैसे होगा, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट मतलब लड़की को बर्डन, बोझ ना माना जाए। तो उसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और यहाँ पे क्या है अभी कि जो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, अगर आपको पता रहेगा कि ऐसे थोड़े कुछ जैसे सेविंग अकाउंट होते हैं, FDs होते हैं, वैसे हम लोग अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट मतलब जैसे ही आपको अगर बेटी होता है तो उसकी 10 साल का एज होने के पहले आप उसके नाम पे एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर एक जगह पे आपको, मुंबई में, दिल्ली में, मेट्रो सिटीज़ में तो आराम से कहीं पे भी मिलेगा, रूरल एरियाज़ में ये सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो वहाँ पे जाके आप अपना 1000 से लेके जितना अमाउंट डालना है आपको, मैक्सिमम कुछ 1 लाख, 1.5 लाख टू 2 लाख का कुछ तो लिमिट है, कैप है उस पर, तो वहाँ तक का आप एट अ टाइम एवरी ईयर ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जब भी बेटी अगर आपका 18 इयर्स का होता है, 21 इयर्स का होता है, तो वो टाइम पे एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है।
तो एक जो फाइनेंशियल बर्डन जो आता है लड़की की वजह से वो नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेसिकली किसके लिए यूज़ होगा, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए। तो आप ये वर्ड्स के सामने स्कीम लिख देना तो आपको पता चलेगा, क्योंकि हम लोग कहीं पे भी कोई भी स्कीम ऐड नहीं कर सकते। फाइनेंशियल इंक्लूजन का बात आया तो सबसे पहले हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसके साथ ये वाला पॉइंट लिखेंगे कि जहाँ पे सेविंग अकाउंट जो ऑपरेट होते थे, बैंक अकाउंट जो ऑपरेट होते थे विमेंस के साइड से, वो 15% था 2005-06 में, जो अभी बढ़ के 53% हो गया 15-16 में। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और प्रधानमंत्री का जो जनधन योजना था वो भी एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट साबित हुआ है। ओके देन उसके आगे अगर आप देखेंगे अलोंग विद दिस सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च हुआ था, स्मॉल अफोर्डेबल डिपॉजिट्स जो हम लोग ऐड कर सकते हैं बैंक अकाउंट्स में। ओके सो बेसिक से पॉइंट्स है, तो आप देखिए यहाँ पे वो सेम चीज़ है जो ऊपर मैंने बोला ना, वो सेम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ओके तो वर्क प्लेस नीड टू मेड कंड्यूसिव एनवायरमेंट फॉर विमेन एम्प्लॉय इफ वी वॉन्ट टू एंश्योर दैट विमेन आर एक्टिव एंगेज्ड इन वर्क फोर्स। फॉर दिस आर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्शुअल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस। तो मी टू कैंपेन के साथ में ये बहुत ज़्यादा बूम में है, तो आपको पता होना चाहिए, ये डायरेक्टली प्रीलिम्स में आने के भी चांसेस है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस है ना, इसके अंदर बोला है कि कंपनी जो है, इंस्टीट्यूशन जो है, वो एक इंटरनल कमिटी बनाएगा और ये इंटरनल कमिटी जो है वो विमेन स्पेसिफिक जो कोई इंसिडेंट हुए उनके ऑर्गेनाइजेशन में उसको मॉनिटर करेंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल कमिटी बहुत सारे इंसिडेंट बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना वो अननोटिस जाते हैं या वो कभी फाइल नहीं होते। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट आप बोल सकते हो। ओके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट अगेन इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए हम लोगों ने क्या बोला, सुकन्या समृद्धि योजना, पीएम जनधन योजना और उसके साथ बैंकिंग सिस्टम जो है वो सर्विस हम लोगों ने इनेबल कर दिया है। और उसके आगे सेम है जनधन योजना के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स ओपन हैं वापस। हाँ ये स्टेटिस्टिक्स याद रखना है, सेविंग अकाउंट जो है ऑलरेडी ऊपर देखा हम लोगों ने तो ये सेम आप रख सकते हैं। और उसके साथ अगर याद रहता है तो ये डाल देना, 28% था 2014 में जो अभी 40% हो गया है 2017 में अकॉर्डिंग टू डेटा। टॉप 40 बैंक्स एंड जो दूसरे RRB बैंक्स है, रूरल रीजनल बैंक्स जो है, यहाँ पे आपको बहुत ही रैपिड ग्रोथ देखने मिला है। ओके एनकरेजिंग जो विमेन एंटरप्रेनर्स है तो अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उनको लोन मिल रहा है। तो अगर हम लोग विमेन एनकरेज की बात करेंगे तो यहाँ पे उनको लोन मिल रहा है, प्रोवाइडेड क्रेडिट फॉर स्मॉल एंटरप्रेनर्स। और उसमें से अगर आप देखेंगे 70% ऑफ दिस लोन हैज़ बीन गिवन टू विमेन। तो इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, ये याद रखना, अगर हम लोगों को विमेन एम्पावरमेंट करना है तो विमेन एंटरप्रेनर्स होगी उतने ज़्यादा आने चाहिए। और उसके लिए हम लोग कौन सा स्कीम हेल्प कर रहा है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और इसमें 75% लोन्स जो है वो विमेन्स को दिया गया है। ओके मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है सो दैट अगर गर्ल चाइल्ड है और उसको मार दिया जाता है तो हम लोग यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि कितने विमेन्स जो है वो प्रेग्नेंट थे और उसमें से कितने वापस सक्सेसफुली बच्चे को जन्म दे रहे हैं और उसके बाद कंटिन्यूसली उनको ब्रेस्ट फीड हो रहा है नहीं हो रहा है, और ये सब हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ओके नाउ 47 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है प्रमोटेड अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब ये याद रखना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन चालू हुआ है जहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोगों ने फंड्स जो है गवर्नमेंट के साइड से डिसबर्स हुए, मतलब दिए गए हैं, जहाँ पे 37% जंप इन लोन अमाउंट ग्रांटेड टू विमेन SHGs इन अ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल पे हम लोग लोन्स भी मिल रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साइड से। ओके स्किल डेवलपमेंट अनदर की एस्पेक्ट्स है, तो स्किल डेवलपमेंट, अब ये अगेन याद रखना, अलग से एक पॉइंट बना लेना, विमेन स्किल डेवलपमेंट कौन सा योजना आएगा, कौशल विकास योजना। लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ जो है हम लोगों ने यहाँ पे इंडस्ट्री में रेलिवेंट उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो ये नाम याद रखना है, स्किल डेवलपमेंट या कौशल विकास, कौशल बढ़ाना मतलब स्किल इम्प्रूव करना, वही हो गया। ओके मदरहुड एम्पावर करना है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये बहुत ज़रूरी है, अमेंड किया है उसको, जहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि अभी जो मैटरनिटी लीव है वो 26 वीक्स का हो जाएगा फॉर वर्किंग विमेन, पहले वो कम था
अब बढ़ा के 26 वीक्स का किया है, तो ज़्यादा टाइम जो है, और उसकी वजह से जो एक हेल्दी बच्चा है वो आ सकता है। तो अभी विमेन को ये डरने की ज़रूरत नहीं कि उसका अगर बच्चा प्लान करने गए तो उसका जॉब छूट जाएगा, और भी बहुत सारे जो पॉइंट्स होते हैं। तो इन ऑर्डर टू एक्सटेंड प्रोटेक्शन टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर एज वेल, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो आ गया, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लैक्टेटिंग मदर्स है, मतलब बच्चे के जन्म के बाद में 1 साल तक बच्चे को माँ का दूध पिलाना और माँ के साथ ही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए है ना, यहाँ पे आप देखिए कि मातृ वंदना योजना है, जहाँ पे क्या बोला है, वेज लॉस जो भी होंगे उसके अगेंस्ट ₹6,000, मदर्स आर प्रोवाइडेड ₹6,000 एज एन इंसेंटिव विच इनेबल्स देम टू टेक एडिक्वेट रेस्ट। तो ये एक वापस इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि ₹6,000 दिए जा रहे हैं, उसकी वजह से अभी जो सर्टन जो महिला है उनको अपना जॉब छूटने का या उनके पास पैसा नहीं है जिसकी वजह से वो अच्छा खा नहीं सकते, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उसके आगे, हैविंग वीमेन इन सीनियर पोजिशंस, ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप्स है। तो जो भी डिजर्विंग वीमेन्स है उनको हम लोग टॉप पोस्ट पे लेके आएंगे, जो अभी यहाँ पे नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वीमेन फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनते जाएगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे बहुत सारे रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, बोर्ड कंपनीज है, जहाँ पे टॉप पोजिशन पे वीमेन्स है, तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। हाँ, सिर्फ जैसे ICI का अभी जो नाम आया है, वहाँ पे भी वीमेन ही है। तो ऐसे नाम मत देना जो जिसके ऊपर कुछ अभी कुछ न्यूज़ बहुत चालू है, तो वो छोड़ के आप SBI का नाम या ऐसा कोई सॉरी और कोई नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो एट विलेज लेवल वीमेन मेंबर्स ऑफ पंचायत आर लीडिंग, ये कुछ काम का नहीं। अभी सेफ्टी एट वर्क प्लेस, तो हम लोगों ने देख लिया सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वीमेन, और उसके अगेंस्ट हम लोगों ने यहाँ पे, मैंने ऊपर ये जो पॉइंट बताया ना वो सेम यहाँ पे याद रखना है, वही है, ये पैराग्राफ में से ये पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है। नेक्स्ट जो है PM ऑन वीमेन एम्पावरमेंट, तो अगर प्रधानमंत्री के साइड से कुछ पॉइंट्स है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो आपको याद रखना है, नो सिविल सोसाइटी कैन टॉलरेट एनी काइंड ऑफ इनजस्टिस टुवर्ड्स वीमेन पावर ऑफ कंट्री, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेशन विल नॉट टॉलरेट दोज कमिटिंग रेप्स, अब ये प्रधानमंत्री के साइड से जो सर्टन पॉइंट्स दिए गए थे वो आप यहाँ पे है ना, मन की बात जो था ये देखिए 26 अगस्त मन की बात में से सर्टन पॉइंट्स लिए, तो आप ये अपना आंसर लिखने के टाइम पे बता सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने भी ये सेम बोला है कि वीमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वीमेन पावर बहुत ज़रूरी है, और उसके अगेंस्ट उन्होंने बोला है कि वी कैन नॉट टॉलरेट एनी काइंड, वेदर इट इज़ सेक्शुअल, फिजिकल, मेंटल, एनीथिंग। सो नेशन वाइड नॉट टॉलरेट कमिटिंग रेप्स, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पार्लियामेंट हैज़ बिन मेड अ प्रोविजन, जहाँ पे हम लोग पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, बाई पासिंग द क्रिमिनल एक्ट अमेंडमेंट, दोज हु आर गिल्टी ऑफ रेप विल गेट मिनिमम सेंटेंस ऑफ 10 ईयर्स। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग मिनिमम, अगर रेप केस में अगर बंदा जाता है तो मिनिमम 10 साल का जेल होगा ही, और वहाँ पे भी अगर 12 साल से छोटे कोई माइनर का रेप किया तो वो टाइम पे तो डेथ सेंटेंस, जो अभी सिर्फ एक स्टेट में हुआ है, आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेट मैं बोल रहा हूँ, आप जाके एक बार चेक कीजिए कौन से स्टेट में ऑलरेडी ये प्रोविजन अप्लाई हुआ है, इंडिया लेवल पे अप्लाई नहीं हुआ है। सो MP, बिहार, UP कौन सा है आप एक बार मुझे बताइए। सो उसके आगे नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, मानसर इन मध्य प्रदेश आफ्टर ब्रीफिंग हियरिंग ऑफ 2 मंथ्स प्रनाउंस डेथ सेंटेंस, तो यहाँ पे देखो आ गया मध्य प्रदेश। सो इतना हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी इनकम्प्लीट विदाउट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, तो वही है, ट्रिपल तलाक बिल जो है वो पास हुआ लोकसभा में, सॉरी पास नहीं हो पाया इन राज्यसभा, लेकिन प्रधानमंत्री ने बोला है कि मुस्लिम वीमेन्स जो है उनके ऊपर ये जो इनजस्टिस हो रहा है उसको कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस दिलाएंगे ही, तो सोशल जस्टिस वाला हम लोगों का अलग से एक टॉपिक है, तो उसमें आपको ट्रिपल तलाक इश्यू पता होना चाहिए। अब अगर सिलेबस दिखेंगे ना तो वहाँ पे सोशल जस्टिस नाम का अलग से टॉपिक है GS 1 के अंदर, और GS 2 में भी आता है। सेम है यहाँ पे, सेफ्टी के बारे में बात किया गया है तो उतना कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ, वापस ये उज्ज्वला योजना, तो उज्ज्वला योजना के तहत हम लोग बोल सकते हैं कि जो हेल्थ प्रोटेक्ट हेल्थ,
तो उसके लिए एलपीजी सिलेंडर्स प्रोवाइड किए गए। तो प्रधानमंत्री ने जो सब्सिडी गिवअप करने के लिए बोला था, बहुत लोगों ने गिवअप किया, तो उससे हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों के यहाँ के जो आज के टाइम पे लोग हैं वो भी कितने ज़्यादा एनलाइटनमेंट है, कि उनको भी समझ में आता है कि अगर हम लोगों को ज़रूरत नहीं है तो सर्टन सब्सिडीज हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। सो एक उज्ज्वला योजना याद रखना है, एलपीजी सिलेंडर्स। ओके, उसके बाद ये कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, ये हम लोग आगे देखेंगे। सो 181 वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, 31 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में सब जगह स्टार्ट हुआ है, वही बेसिक से पॉइंट्स दिए। एक्सेसिंग इनएक्सेसिबल, तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोगों ने बहुत सारे नंबर ऑफ स्कीम्स में डिस्कस किया है, तो हम लोगों के पास वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पे उनके प्रॉब्लम कम करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स चालू किए गए हैं, जैसे मिनिस्ट्री जो है वहाँ पे महिला शक्ति केंद्र, ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महिला शक्ति केंद्र। तो 3 लाख स्टूडेंट वॉलंटियर जो है उनको अक्रॉस कंट्री डायरेक्टली हर एक गांव में महिलाओं तक पहुंचाया जा रहा है, जहां पे हम लोग गवर्नमेंट के जो सर्विस है, स्कीम्स कौन से है वो हम लोग बताएंगे, इम्पोर्टेंट है। ओके, बस इतना ही है ये इसमें। विमेन नीड अ सेफ एंड इनेबलिंग एनवायरमेंट विच एनकरेज देयर एम्पावरमेंट, इंडिया लुक फॉरवर्ड। तो ये बेसिक से कंक्लूजन वाले पॉइंट्स है। तो मैंने ऊपर फर्स्ट वाले आर्टिकल में जो कंक्लूजन बताया, मोस्ट ऑफ आपके जो भी विमेन स्पेसिफिक आर्टिकल्स है उसमें वो इजीली फिट बैठ जाएगा। ओके, सो यहाँ से, सॉरी, किसी ने तो जिसने डाला है उसने बीच में एक पॉइंट डाल दिया। ओके, एम्पावरिंग विमेन थ्रू, ओके, तो यहाँ पे कंटिन्यूम ऑफ केयर है, तो कैसे हम लोग एम्पावर कर सकते हैं, अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया है। तो ये वाला जो आर्टिकल है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। और हाँ, और एक बात, मेरा लेक्चर्स जो है वो थोड़े रेगुलर नहीं थे, मेरा खुद का थोड़ा स्टडीज आ गया था बीच में, तो अब से हम लोगों के जो वीकली शेड्यूल है उसके हिसाब से रेगुलर लेक्चर्स होंगे, और वही हम लोग यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो मैं एक प्रॉपर टाइम टेबल अपडेट करते जाऊँगा। सो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।